अब चेक कीजिए गुड मॉर्निंग के बारे में, में रसोड़े से बाहर निकलो राशि और फिर आपको मिलेगा आपके सवालों के जवाब रोहित भाई गुड मॉर्निंग प्राची स्वामी गुड मॉर्निंग जानवी गुड मॉर्निंग सभी का बहुत बहुत स्वागत है फटाफट आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर नंबर एटीन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की सीरीज और इस सीरीज में मैं करता हूँ आप सभी का स्वागत बहुत ही अमेजिंग सीरीज चल रही है सीरीज में कर रहा हूं आप सभी का स्वागत यार कहते हैं ना द शो मस्ट गो ऑन और ये बहुत सही चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है द शो मस्ट गो ऑन दो दिन पहले मैंने आपसे एक चीज में आपका समर्थन मांगा था आपका सपोर्ट मांगा था फॉर्चुनेटली <coughs> आप लोगों ने अपना सपोर्ट मुझे दिया भी है सपोर्ट मैंने इस चीज के लिए नहीं मांगा सपोर्ट वैसे मांगने का मतलब यह था कि अगर मैं कुछ दिन आपकी क्लासेस नहीं भी ले पाऊं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना आपने दिया बट फिर भी मैंने सोचा कि यार मैं दो ही ऑप्शन को इवेल्यूएट कर रहा था या तो मैं क्लासेस लूंगा या फिर मैं क्लासेस नहीं लूंगा बट मुझे यहां पे तीसरा ऑप्शन दिख गया तीसरा ऑप्शन ये दिख गया कि मैं थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन कम करके ले लू ताकि बच्चों का शो चलता रहे है ना द शो मस्ट गो ऑन दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और यही लर्निंग लेसन के साथ हम लोग यहाँ पे डेली कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपाइड होते हैं सुबह और शाम दोनों समय बहुत अलग तरीके की फीलिंग होती है बहुत अलग तरीके से चीज़ें चल रही है और यू नो वी आर जस्ट ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट प्रियोरिटाइज कर रहे हैं चीज़ों को कि अभी सबसे ज्यादा प्रियोरिटी है हमारी दिसंबर 2021 वाले बच्चे तो दिसंबर 2021 वाले बच्चों को कैसे हम एक बार सही तरीके से सही सलीके से एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचा दें और एक बार वो वहां पे पहुंच गए ना हाँ फिर हम आराम से छुट्टियां मना सकते हैं और आप लोगों के साथ आप लोगों की पढ़ाई को लेके आगे बढ़ सकते हैं करेक्ट चलिए सर so, नमस्कार गुड मॉर्निंग सत सश्रियाकाल आदाब स्वागत है सभी का अन अकेडमी सी फाउंडेशन प्रो चैनल पे मैं हूं आपका दोस्त और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर एटीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दोस्तों एक क्विक एंट्रो मेरे बारे में वो सभी लोग जो मुझे नहीं जानते जो नए हैं यहाँ पे

लेकिन रियली स्पीकिंग वॉट यू ट्रूली से इज दैट द टीम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाउ यू मैनेज योर टीम एंड हाउ विच टाइप ऑफ टीम डू यू हैव एंड दिस इज द एंटायर बाहुबली टीम देयर इन फ्रंट ऑफ यू आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरी टीम ये पूरी की पूरी टीम मेहनत करती है ताकि आपके आने वाले कल को आपके बीते हुए कल से बेहतर बना सके बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है तो कहीं पे भी आप अगर हमें टैग कर रहे हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम अन्य अकेडमी तो आप ये येग यूज करें इवन पे सी बाहुबली टीम करेक्ट एटीन नंबर लेक्चर है आज का हमारा <coughs> उम्मीद करता हूं आवाज मेरी थोड़ी बेहतर आ रही होगी ऐसा लग नहीं रहा है शायद बट जो भी है आज हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू तो आइए अपने रजिस्टर्स में और लिखिएगा हेडिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पब्लिक रिसीट ये कंसेप्ट हम लोग यहां पे आज देखने वाले करेक्ट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट अब ये जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं मैं सबसे पहले आपको बताता हूं ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर वॉट डू यू मीन बाय दिस टम एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा है ना एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा खर्चे का मतलब क्या खर्चे का मतलब होता है समथिंग दैट Goes out pocket ऐसी कोई भी चीज जो आपके जेब से बाहर जाती है ऐसी कोई भी चीज जो आपके जेब से बाहर जाती है तो वो एक तरीके से आप लोगों के लिए खर्चा होता है एक मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूं बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल देता हूं सपोज मेरा सपना है सपोज मेरा सपना है आईफोन खरीदने का आई अ ड्रीम टू बाय एन आईफोन मतलब जब भी टीवी में आती है ना, जब भी टेलीविजन में आती है, मैं टेलीविजन के सामने खड़ा हूं आईफोन की एड को देख के ऐसा फील करता हूँ जैसे आलिया आ गई हो भाई जब भी रोड पे आईफोन का होर्डिंग देखता हूँ मैं उसके नीचे ऐसा खड़ा हूं सिर्फ उसको घूर रहा हूँ सिर्फ उसको देख रहा हूं ना जाने ये मुझे कब मिलेगा मुझे नींद में भी आईफोन दिखाई देने लगता है हर जगह आईफोन दिखाने हर जगह आप मेरी बात समझने की कोशिश करना जस्ट ट्राई टू गेट इन टू दी एग्जाम्पल मतलब दोस्तों से भी बात कर रहा हूँ आईफोन की बातें घर में भी बात कर रहा हूँ आईफोन की बातें हर चीज में अरे यार यही फोटोग्राफ अगर आईफोन पे लिया होता था ना माँ कसम आईफोन का नाइट नाइट फोटोग्राफी नाइट विजन इतना जबरदस्त है इतना जबरदस्त है ये फोटो में ना रात में भी चमका देता था आईफोन इतना मतलब मैंने एक्सप्लोर करके रखा इतना एक्सप्लोर कर रखा है अब क्या हुआ मेरे पेरेंट्स को पता चल गया मेरी आईफोन की दीवानगी के बारे में यार मेरा लड़का तो जो है पागल हो गया आईफोन के चक्कर में पेरेंट्स जो होते हैं ना बहुत अलग होते हैं उनको हम समझ नहीं पाए आपको पता है वो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार हो जाते हैं और फिर एक दिन मम्मी पापा बात करते हैं कि इसका बर्थडे आ रहा है चाहे उनका बजट हो या ना हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे उनका बजट हो या ना हो वो कहते हैं कोई बात नहीं इस बार इस बार हम आईफोन दिला देते हैं तो पापा आपको कहते हैं मम्मी पापा आपको डिस्क्लोज करते हैं कि बेटा इस बार हम तुझे तेरे बर्थडे पे आईफोन दिलाने वाले ओहो जिस मोमेंट पे बोला आईफोन दिलाने वाले हैं भाई साहब आपकी तो उसी मोमेंट पे निकल पड़ी जबरदस्त जबरदस्त भाई साहब ओ माय गॉड समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं ऐसी फीलिंग आती है मन में सबको फोन लगा के सस्ते फोन से सबको लगा के बोल दिया अरे आई आईफोन आ रहा है आईफोन अरे आईफोन आ रहा अरे आईफोन आईफोन hey, आ रहा है सब जगह है सब जगह खोल दिया आईफोन आ रहा है आई आ रहा है पावा ने बोला आज तेरा बर्थडे आज हम सुबह मतलब दोपहर में दस बजे ग्यारह बजे दुकान खुलती है आईफोन लेने को जाएंगे सुबह बिल्कुल एकदम नींद से उठ के ऐसे एकदम तैयार एकदम मस्त कपड़े पहन के एकदम मस्त कपड़े ऐसे स्त्री की है ने एकदम ऐसे स्त्री की है हुए स्त्री मतलब वो वाली स्त्री नहीं वो वाली स्त्री ऐसे स्त्री किए हुए कपड़े पहन के ओ भाई साहब ये कपड़े पहन के तैयार पापा मैं तैयार हूँ पापा चले चले पापा आईफोन लेने चले पाओ मेरा बेटा अभी तो साढ़े नौ बजे दुकान ही ग्यारह बजे खुलती है चलते हैं ठीक है पापा कोई बात नहीं यू टेक योर टाइम मैं हूँ यहाँ पे समय नहीं निकलता जा रहा है समय नहीं निकलता जा रहा है कब आएगा कब आएगा कब आएगा ऐसी फीलिंग मतलब आईफोन सिर्फ एक एग्जाम्पल है कोई भी चीज़ जिसको लेके आप यू नो डेस्परेट होते हो उसको लेकर ऐसी फीलिंग होती है बिल्कुल ऐसा ही फील होता है फिर फाइनली ग्यारह बजे पौने ग्यारह पापा चले हम तो पहले में भी पंद्रह बीस मिनट लगेंगे पापा चलते हैं यार चलते हैं पापा समझ जाते हैं पापा मम्मी है आपके वो समझ जाते हैं कि मेरे बेटे के मन में चल के आ रहा है पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा चल तू तो चल मेरे साथ तो पापा आपको बैठाते हैं और लेके चलता है फोन की दुकान आए फोन की दुकान पे पहुंचने के बाद आईफोन की दुकान पे पहुंचने के बाद दोस्तों जो होता है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जिसको ढूंढा गली गली जिसको ढूंढा गली गली वो मेरे सामने पड़ी ओ भाई साहब बिल्कुल मेरे सामने ओ मां माता जी जब वो <coughs> बॉक्स होता है हाँ ये वाला कलर लेना है मुझे ये ये मेटालिक ब्लू लेना है आईफोन फोन मेटालिक ब्लू लेना है पापा मेटालिक ब्लू हाँ कितना पापा पाँच जीबी बारह अब जी आपका बेटा पापा फोटोग्राफर बनेगा पाँच सो बारह जीबी पापा इसमें फोर के होता है बहुत मेहमरी लगता है पाँच बारह जीबी ठीक है पापा कोई बात नहीं बेटा ले फिर ले। फिर आपके हाथ में आता है आईफोन फिर आपके हाथ में आता है उसको हाथ में लेते समय हाथ में उसको लेते समय ता फील होता है मतलब ना गजरे सीधार ना मोती ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो तुम कितनी सुंदर हो कितना इंतजार करवाया तूने नटकट इतने साल का इंतजार कैसे बर्दाश्त कर ली तूने ये दूरी मेरे बिना हाँ मैं तेरे बिना जी नहीं सका कैसे जी ली तू मेरे बिना इतने साल और फिर फाइनली आईफोन आप हाथ में लेते हो समझ आईफोन लेते ले अब ये हाथ में लेने के बाद अब देखना अब यहाँ पे ट्विस्ट होगा आपकी फीलिंग्स में ट्विस्ट होगा मन में इतनी खुशी है लेकिन ये खुशी एक सेकेंड में रिग्रेट में बदल जाएगी देखना पता है कब हाथ में तो आईफोन है पर वहां पापा डेढ़ लाख रुपए कैश में दे रहे हैं उस दुकानदार इमेजिन करके देखना जब पापा डेढ़ लाख रुपए दुकानदार को कैश दे रहे ना बेटा उस समय रिग्रेट से एक जमीन में धस जाने का मन करता है लिटरली ऐसा मन करता है कि यार क्यों लिया मैंने मैं पापा के डेढ़ लाख रुपए खर्चा हो गया बेटा डेढ़ लाख रुपए खर्चा हो गया आप समझ रहे हो मेरी बात डेढ़ लाख रुपए खर्चा हो गया अब आप उस समय ये नहीं कहोगे कि ये मेरी एसेट है वैसे ये मेरी एसेट है बट आप उस समय रिग्रेट में जी रहे हो क्या रिग्रेट में जी रहे हो कि मेरे इस एक इच्छा को पूरा करने के लिए पापा ने डेढ़ लाख रुपए खर्चा खर्चा देख यार वो देख नहीं पाओगे ऐसा हुआ होगा आप सबके साथ नहीं हुआ है तो होना चाहिए है ना वो डेढ़ लाख माँ बाप बहुत खुशी खुशी बच्चों के लिए कर लेते हैं अच्छा फिर अलग से आके देखना मम्मी पापा कमरे में बात भी करेंगे पापा मम्मी से कहेंगे बहुत खर्चा हो गया यार बच्चे बच्चों को कैसे समझाएं यही काम बीस हज़ार के फोन में भी होता था बीस का नहीं पच्चीस का ले लेता था, था पच्चीस का नहीं तीस का ले लेता था, था। डेढ़ लाख रुपए का फोन मेरी इच्छा थी कि इस साल अपन कार लेने वाले थे तो कार के लिए मैं पैसे जमा कर रहा था सोचा था सब जने कार में जाएंगे बट कोई बात नहीं डेढ़ लाख रुपए इधर चले गए अब कार देखेंगे जब होगी तब होगी तो मम्मी पापा को समझाती है मम्मी पापा को समझाती है कि आप चिंता मत करो आप चिंता मत करो अपना ही तो बेटा है अपना ही बेटा है कार भी लेते थे तो किसके लिए लेते थे इसी के लिए लेते थे कौन सा हमने घूमना है कार में है ना कार भी लेते तो हम इसी के लिए लेते थे इसको जिसमें खुशी मिलती है वो कर दी हमारा फर्ज है हमारा कर्तव्य है हमारे बच्चों को खुश रखना हम बस वो कर्तव्य पूरा किए जा रहे हैं पॉइंट मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि जब भी पैसा जेब से बाहर जाता है वो खर्चा होता है एक बार के लिए तो वो खर्चा ही होता है दोस्तों ये समझ लेना वेन एवर मनी गोज आउट ऑफ योर पॉकेट वेन एवर मनी गोज आउट ऑफ योर पॉकेट इट इज एन एक्सपेंडिचर नाउ यू हैव टू सी वेदर दिस एक्सपेंडिचर गिव्स यू शॉर्ट टर्म बेनिफिट और इट गिव्स यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट whether this expenditure gives you short term benefit or it gives you long term benefit now how you define this term how do you define this term so this term means 12 months and above more than 12 months if a particular expenditure if a particular expenditure gives you short term benefit means less than 12 months if a particular expenditure Gives you short term benefit means benefit of less than 12 months, my dear friends. That expenditure is known as which expenditure? That expenditure is known as revenue expenditure. But if an expenditure gives you long term benefit, long term means how do you define long term? Long term means पीरियड ऑफ मोर देन अगर आपको कोई भी एक्सपेंडिचर खर्चा बारह महीने से ज्यादा का बेनिफिट दे रहा है फायदा दे रहा है तो बेटा जी वो कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर आई फोन जो आपने खरीदा है ये फोन खरीदने से जो बेनिफिट आपको हुआ है ये बेनिफिट शॉर्ट टर्म है नहीं जब ये घर पर लेके आते ना तो दिन में मिक्स फीलिंग है एक तरफ खुशी हो रही है और दूसरी तरफ रिग्रेट भी हो रहा है खुशी हो रही है कि मुझे मेरे सपनों की रानी मिल गई और रिग्रेट ये चीज हो रही है रिग्रेट ये चीज़ की हो रही है कि मैंने पापा के बहुत पैसे खर्चे करवा दिए उस समय देखना मन में एक आग लगती होगी नहीं बस अब कुछ कर गुजर जाऊंगा मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ तो कर जाऊंगा भाई अब बस बहुत हो गया भाई बहुत हो गया जिंदगी में फालतूपना तो अब तो कुछ ना कुछ करना ही करना है भाई जिंदगी में कुछ ना कुछ करना ही करना है मतलब ये फोन का और आपके गोल्स का लेना देना कुछ नहीं है कोई ऐसा नहीं आपको फोटोग्राफर बनना है।, ऐसी मन में एक आग लगती है बिल्कुल मन में एक आग लगती है भाई कुछ ना कुछ तो कर गुजर जाना है देना है फाड़ फाड़ देना देना अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा वो वो होर्डिंग पे मेरा फोटो आएगा फोटो नीचे से लोग गुजरेंगे बोलेंगे हे दे। इसके मम्मी पापा जा रहे हैं कुछ ना कुछ कर गुजर जाऊंगा ऐसी फीलिंग आती है ना मन के अंदर ऐसी फीलिंग आती है

जब मन में फीलिंग आती है ना मुझे मेरे माँ बाप के लिए कुछ कर गुजरना है तो उसकी शुरुआत तो कर मेरे भाई अब समझ रहे उसकी शुरुआत तो कर कुछ कर जा ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा सिंपल है सो इट रिजल्ट्स इनटू क्रिएशन मम्मी पापा को उस समय रियलाइज होगा नहीं भाग्यवान सही किया सही किया हमने कार नहीं खरीदी हमने इसको फोन दिलाया सही किया ये उस बलिदान का नतीजा है भाग्यवान ये उस बलिदान का नतीजा है कि आज हमारा बेटा हमारा नाम रोशन कर रहा है थ्री इडियट्स में ऐसे ही देखा आपने ना थ्री इडियट्स में ऐसे ही देखा कि कार नहीं लेके बेटे के लिए कैमरा ले लिया ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस बलिदान की भावना माँ बाप के अलावा कहीं नहीं मिलेगी तो क्रिएशन ऑफ एन एसेट मतलब कुछ कुछ लिटमस टेस्ट में आपको यहाँ बता रहा हूं कि खर्चों को देख के हमको समझ में आ जाएगा खर्चों को देख के हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा खर्चा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट दूसरा पॉइंट है एक्सपेंस आउट और क्रिएशन ऑफ एन एसेट तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट इफ एन एक्सपेंडिचर इफ एन एक्सपेंडिचर योर बिजनेस और लिखते चलना मेरे साथ है ना और इट इज अ रूटीन एक्सपेंडिचर इट इज नोन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ एन एक्सपेंडिचर इज फैसिलिटेट क्या करता है एक्सपेंडिचर इट फैसिलिटेट योर बिजनेस आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है आपके बिजनेस को चलाने में मदद करता है और इट इज अ रूटीन एक्सपेंडिचर इट इज विच एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ रहा है कौन सा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन अगर ये जो एक्सपेंडिचर है इट इंक्रीजेस योर इनकम या बिजनेस एक्टिविटी अगर इस खर्चे के वजह से समझ लेना अगर इस खर्चे के वजह से मेरे बिजनेस की इनकम बढ़ती है अगर इस खर्चे की वजह से मेरे बिजनेस की इनकम बढ़ती है या मेरे बिजनेस की एक्टिविटी बढ़ती है एक्टिविटी बढ़ती है इसका मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे मॉड्यूल के तो मेरा एक सिनेमा हॉल है मैं वो सिनेमा हॉल के अंदर अभी हंड्रेड चेयर्स है अब मैं उसमें कुछ रेनोवेशन करता हूँ जिसके वजह से अब मैं एक चेयर्स लगा पा रहा हूँ ये जो 20 शेयर्स बढ़ गई है इससे मेरी बिजनेस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी मतलब अब मैं एक्स्ट्रा पैसा कमा पाऊंगा तो ये जो खर्चा है ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा इट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर आई यू गेटिंग माई पॉइंट इट फैसिलिटेट्स योर बिजनेस और इट इंक्रीज योर एक्टिविटी नंबर फोर फ्रीक्वेंसी दे आर वेरी फ्रीक्वेंट एंड दे आर ओकेशनल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर वेरी फ्रीक्वेंट गाड़ी में पेट्रोल भराते चलो गाड़ी में पेट्रोल भराते चलो भर्राओ भर्राओ हर रोज पेट्रोल भरा मतलब मोबाइल में रिचार्ज करना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोला बेटा मोबाइल में रिचार्ज करना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन मोबाइल खरीदना इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर यू गेटिंग माई पॉइंट मोबाइल में रिचार्ज करना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर मोबाइल खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर गाड़ी में पेट्रोल भरवाना गाड़ी में पेट्रोल भरवाना इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन गाड़ी खरीदना कार खरीदना इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आप समझ रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कुछ लिटमस टेस्ट होते हैं बेटा जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर अब अगर मैं सपोज यहाँ पे एक्सपेंडिचर की जगह इनकम सब्सटीट्यूट कर दू तो भी यही यही लिटमस टेस्ट एप्लीकेबल होंगे तो भी यही लिटमस टेस्ट इनकम मतलब क्या ऐसी इनकम जो रोज रोज होती है फ्रीक्वेंटली होती है इट इज अ रेवेन्यू इनकम ऐसी इनकम जो वन से नवाइल होती है कभी कभी होती है इट इज अ कैपिटल इनकम आई यू गेटिंग माई पॉइंट तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको समझना है अब सवाल ये उठता है कि सर हम ऐसा क्यों करते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं हम ऐसा इसीलिए करते हैं बिकॉज यहाँ पे हमको पिक्चर में लाना होता है मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी क्या कहता है मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी कहता है दैट ऑफ द पीरियड शुड मैच विध रेवेन्यूज और इनकम ऑफ दैट पीरियड अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूँ अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूँ जिसका मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट होने वाला है तो मुझे उस खर्चे को उसी साल में पी एन एल में डेबिट कर देना चाहिए आई शुड एक्सपेंस आउट दैट टाइम इट सेल्फ उसी समय बट अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूं जिसका मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है मतलब कई सालों तक फायदा होगा तो मुझे उसको एसेट ट्रीट करना चाहिए और हर साल उस पर क्या प्रोवाइड करना चाहिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना चाहिए मतलब जितने सालों तक उसका फायदा होगा उतने सालों तक मुझे उसको स्प्रेड करना होगा आई यू गेटिंग माई पॉइंट जितने सालों का फायदा होगा उतने सालों तक मुझे उसको स्प्रेड करना पड़ेगा वो खर्चे को स्प्रेड करना पड़ेगा ज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल करेक्ट सबने लिखा है अपने पास चेक कर लो एक बार Have you all written down this you? मैं एक बार स्क्रीन से साइड हुआ हूँ स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट ले लिया सभी ने वेरी गुड ओके अब हम क्या करने वाले हैं मॉड्यूल के अंदर इसके ऊपर प्रॉपर एक यूनिट दिया है उस यूनिट के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों शुरू करते हैं ट्रू और फॉल्स जो आता है ना आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर वन ए ट्रू और फॉल्स के अंदर कैपिटल और रेवेन्यू इंस्टीट्यूट का वन ऑफ हॉट फेवरेट सब्जेक्ट है सच बता रहा हूँ हॉट फेवरेट सब्जेक्ट है मतलब आपको अगर आपका पेपर पैटर्न पता है जो मैंने आपको पहले बताया है इनिशियल लेक्चर्स में तो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर वन ए जो है ट्रू और फॉल्स इज आस्ट फॉर ट्वेल्व मार्क्स और यह ट्वेल्व मार्क्स के ट्रूर फॉल्स में आते हैं सिक्स सेंटेंसेज ऑफ टू मार्क इच दो दो मार्क के छह सेंटेंसेस आते हैं तो यह देखा गया है यह देखा गया है कि छाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सेंटेंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट और ये एक सेंटेंस की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू ये एक सेंटेंस की कीमत क्या होती है ये एक सेंटेंस की कीमत होती है दुई मार्क दुई मार्क ये एक सेंटेंस की कीमत रमेश बाबू मार्क मार्क है। तुम का जानो इसकी कीमत? इसकी कीमत? कीमत आप समझ रहे हो। कम so, कम से कम क्लियर चले आगे नेगेटिव <coughs> मार्किंग नहीं होती है विशाल पांडे जी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स और लॉ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इकोनॉमिक्स और मैथ्स में होती है चलिए

सिग्निफिकेंट रिपेयरिंग ओवरऑलिंग का मतलब क्या होता है सिग्निफिकेंट रिपेयरिंग तो अगर सिग्निफिकेंट रिपेयरिंग किया है आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी को तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा इसका आंसर है बेटा जी फॉल्स नॉर्मल रिपेयरिंग अलग है और सिग्निफिकेंट रिपेयरिंग अलग है सिग्निफिकेंट रिपेयरिंग मतलब एज गुड एज नया बनाना एज गुड एज नया बनाना तो ओवरऑल एक्सपेंस का अमाउंट भी बड़ा होता है एक और पॉइंट मैं यहां पे लिखना चाहूंगा आप भी मेरे साथ आइए और यहां पर लिख लीजिए फिफ्थ नंबर पॉइंट जनरली स्मॉल अमाउंट ना सो so, सिग्निफिकेंट का मतलब है बड़ा पैसा लगा है काफी पैसा लगा है तो काफी पैसा लगा है तो ये सर्टनली कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और इसका दूसरा फायदा समझना क्या होता है जब आप किसी चीज़, को ओवरऑल करते हो ना तो ओवरऑल करने के बाद वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है क्या देता है बेटा जी लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड देरफोर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंसिस मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आंसर इसका है फॉल्स आंसर है इसका फॉल्स मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब समझना अब यह समझना वर्किंग एक्सपेंडिचर का वैसे मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंस लेकिन अगर आप डे टू डे एक्सपेंस बचाओगे तो ये डे टू डे एक्सपेंस बचाने से आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग होगी सर इसका एग्जाम्पल दे दो अभी देता हूं मैं आपको इसका एग्जाम्पल क्या इसका एग्जाम्पल अनुज कह रहे हैं सर आपका इंटर का लेक्चर देखा मजा आ गया आपसे ही पढ़ेंगे माय टारगेट इज नवंबर 22 साथ नहीं छोड़ेंगे हाथ नहीं छोड़ेंगे अनु भाई ये सेंटेंस याद रखना भूलना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल देता हूं मेरा ऑफिस है ऑफिस के अंदर अभी हम लोग क्या करते हैं पास वाली टपरी से चाय मंगवाते हैं तो वो जो छोटू है ना वो दस रुपए कप चाय ला देता है अब होता ये है कि महीने का चाय का जब बिल भरता हूँ ना तो भाई साहब ऐसा लगता है यार कितना पैसा दे दिया चाय चाय में कितना पैसा जा रहा है तो मैं एक आइडिया चलाता हूँ आइडिया चलाता हूँ क्यों ना मैं ऑफिस में चाय की मशीन लगा लूँ चाय की मशीन लगाने से फ़ायदा ये होगा कि मशीन की चाय बहुत ही घटिया होती है यह घटिया चाय पी के हमारे ऑफिस के लोग ऑफ़िस में चाय नहीं पियेंगे ऑफ़िस में चाय जब मशीन की ही मिलेगी तो छोटू नहीं आएगा फोटो नहीं आएगा तो ये लोग बाहर जाके खुद के पैसे पे पे चाय चाय खुद के पैसे पे चाय तो मेरी चाय का खर्चा बच बच जाएगा, जाएगा। नादान मेरे चाय का खर्चा ये प्रतिशत ये पूरी तरह कौन सा expenditure होगा ये प्रतिशत होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर आंसर है ट्रू आप कोई भी प्रॉपर्टी जब खरीदते हो तो आपको वकील को पैसे देने पड़ते हैं फीस देनी पड़ती है ये जो फीस है कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्यों क्योंकि जब तक ये फीस नहीं दोगे तब तक आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते अमाउंट स्पेंड एज अस फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइड बिलोंग टू द प्लेटिव लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही बढ़िया ट्रांजेक्शन है और यह ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा आपको ऑफ द ट्रैक लेके जाना चाहूंगा और कुछ वर्ड आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूं तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं कोई भी जो केस होता है ना कोर्ट केस कोई भी जो लीगल सूट होता है तो लीगल सूट की दो पार्टीज होती है एक पार्टी होती है जिसको कहते हैं प्लेंटिफ और दूसरी पार्टी होती है उसको कहते हैं डिफेंडेंट एक होती है प्लेंटिफ और दूसरी होती है डिफेंडेंट प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है प्लेंटिफ वो होता है जो केस करता है और डिफेंडेंट कौन होता है जो डिफेंड करता है अरे यार सीधी बात है ना किसी ने अगर आप पे कुछ इल्जाम लगाया तो आपको डिफेंड तो करना पड़ेगा आप ऐसा तो नहीं बोल सकते जा जा जब मैं तेरी बात नहीं सुन रहा मैं, 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 तेरी बात नहीं जो बोलना है बोल 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 जो बोलना है बोल मैं तेरी बात नहीं सुन रहा मैं तेरी बात नहीं ऐसा थोड़ी कर सकते हो आप <clears throat> ऐसे थोड़ी कर सकते हो आप अगर आपके खिलाफ किसी ने केस किया है तो आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी आपको उसको डिफेंड करना पड़ेगा तो एक पार्टी होती है प्लेंटिव दूसरा होता है डिफेंडेंट अब समझना थोड़ा मैं लॉ पढ़ाना चाहूंगा यहां पे तो आपको समझ में आएगा और ये लॉ आपके फाउंडेशन वाला लॉ नहीं है ये लॉ एल एल बी वाला लॉ है रूल क्या कहता है रूल ये कहता है पार्टी विंस द केस इन दोनों में से जो भी पार्टी केस जीतेगी हु विंस द केस ऑल्सो गेट्स स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं समझ लेना प्लेंटिव ने डिफेंडेंट पे केस किया सपोज ये प्लेंटिव ने एक वकील किया है, तो प्लेंटिव के भी कुछ लीगल एक्सपेंस हो रहे हैं और यह डिफेंडेंट ने भी क्या किया है वकील तो डिफेंडेंट का भी कुछ लीगल एक्सपेंस हो रहा है समझने की कोशिश करना

बीजू कई ऑप्शन नहीं ठीक है अब ये केस ये नहीं वो स्टेटमेंट क्या है वो स्टेटमेंट है कि हमारे पास है एक जमीन राइट नाउ हु इज बियरिंग द टाइटल ऑफ दिस लैंड टाइटल मतलब हु इज द लीगल ओनर ऑफ दिस लैंड आई एम द लीगल ओनर ऑफ दिस लैंड कोई थर्ड पर्सन कोई थर्ड पर्सन हमारे ऊपर केस करता है ये थर्ड पर्सन हमारे ऊपर केस करता है और कहता है कि ये जो जमीन है ये मेरी है मतलब ये हमारे ऊपर केस करता है तो ये क्या बन गया प्लेटिव और क्योंकि हमारे ऊपर केस किया तो हम क्या बन गए डिफेंडेंट बन गए ये समझ में आया अब मैं ये जो केस लड़ रहा हूं इस केस के लिए मैं कुछ वकील को फीस देता हूं लीगल फीस देता हूं ये जो लीगल फीस मैं वकील को दे रहा हूं ये मैं क्यों दे रहा हूं अपना अधिकार बचाने के लिए समझना ये जमीन ऑलरेडी मेरी थी मेरी है और मेरी रहेगी अंजलि ये जमीन मेरी थी मेरी है और मेरी रहेगी समझ लेना ये जमीन पे मेरा अधिकार बचाने के लिए मैं ये लीगल फीस दे रहा हूं मतलब ये केस जीतने से मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है बस जो मेरा है वो मेरे पास रहने वाला है उतनी सी ही ये बात है मतलब इससे क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा फायदा होगा नहीं इससे मुझे कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा मुन्ना क्योंकि इससे मुझे कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है मुन्ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वापस पढ़ो अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट डिफेंड मतलब हम कौन है डिफेंडेंट क्लेमिंग दैट एंड फैक्ट्री साइट हमारी फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा क्यों क्योंकि ये टाइटल मेंटेनेंस के लिए है अगर सपोज मैं प्लेटिव होता था तो प्लेटिव और अगर ये प्लेटिव केस जीत रहा होता था तो प्लेटिव के लिए ये क्या होता था प्लेंटिव के लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था क्योंकि ये केस जीत के आपको एक जमीन मिलने वाली है समझ रहे हो एक जमीन मिलने वाली लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है ये पूरी तरह क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉन आउट पार्ट वॉन आउट का मतलब होता है खराब टॉर्न आउट वन आउट टॉर्न मतलब फटना अब मेटेलिक चीजें फटती थोड़ी है वो घस जाती है तो वन आउट पार्ट अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फटाफट जवाब दीजिए अमाउंट स्पेंड ऑन वर्न आउट पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ अउट पार्ट इज अपिटल एक्सपेंडिचर नहीं क्यों नहीं क्योंकि इसका नेचर क्या है नेचर इसका रिपेयरिंग का है. है ना रिप्लेस क्यों कर रहे हैं आप रिपेयर कर रहे हो भाई सॉरी <coughs> सो so ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एक्सपेंड सिंक ऑन रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग

कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसिस इन एक्सपेंडिचर ट्रू है क्योंकि ये सिनेमा हॉल जो है ये सिनेमा हॉल जो है इसको चला के मैं पैसा कमाऊंगा लेकिन इसको चलाने के लिए मुझे चाहिए क्या लाइसेंस और लाइसेंस के लिए मुझे कुछ खर्चा करना है देर फॉर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एप्सोल्यूटली ट्रू एंड लास्ट अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन of temporary huts which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure ye bhi true hai guys i think kuch technical problem ho raha hai laptop ke andar let me first end the session quickly और फिर मैं ये सेशन को टर्मिनेट करता हूँ कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है आज टेक्निकल वीडियो प्राइवेट नहीं हो जाए भाई चलो सबको मैं बता देता हूं कि आप हमारे अन अकेडमी की ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज टेक अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ओनली फाउंडेशन और यू कैन इवन टेक अ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन कैन बी टेकन इन टू वे देर कैन बी अ रेगुलर सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गिव यू बेनिफिट्स लाइक पर्सनल कोच प्रिंटेड बुक्स टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल एंड There are a lot of offers going on on these subscriptions. So whenever you take subscription, always use my name as my code ANSHUL to get the maximum possible discount. Thank you so much guys and good day all of you.